हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज मैं कुछ नया सिखाऊंगा, जैसे कि आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी लाइव दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गणेश जी स्टेटस वीडियो बनाएंगे, जो कि अपन काइनवा स्टाइल्स कैसे एडिटिंग करते हैं इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बड़ी आसानी से स्लाइड वगैरह जब पेड़ वगैरह सब चीज़ पूरी प्रोसेस आपको एक एक डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं काइनवा स्टाइल वीडियो को स्टार्ट कर। गाइस फर्स्ट टाइम आपको करना क्या है, तो आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको इसके बाद क्या करना है गाइस, न्यू करेक्टर तो इस पर क्लिक कर लेना है। आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लोगे तो इसमें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब इसके बाद 916 का फ्रेम चूज करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब गाइस वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसके आप गणेश जी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। अदर गाइस और भी आप स्टेटस वीडियो बना सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। मैं आपको गणेश जी स्टेटस वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ से कर लूँगा आप फोटो सेलेक्ट, जो कि मेरे का किस किस फोटो की वो बनाना है। तो सबसे पहले अपन इसकी सेटिंग सही कर लेते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, एडिटिंग पे क्लिक करना और आपको फिल पे क्लिक कर लेना। फिल पे क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको इस पे क्लिक कर लेना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ से आपको जितने फोटो के आप ऐसी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, उतने आपको फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको गाइस ये HD क्वालिटी फोटो डाउनलोड नहीं करता है आता है तो गाइस मैं उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हो जो कि कहाँ से ऐसे फोटो डाउनलोड करते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे फोटो डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो गाइस आप भी कर सकते हो ऐसे। अब इसके बाद क्या करना गाइस, देख सकते हो अपन, मैं थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ। तो अब मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर ली जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको पूरी से डिटेल में बताऊंगा तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। तो आपको पहले लेयर पे जाना है, फिर मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। अब हम फर्स्ट नंबर लगाएंगे इसमें टेम्पलेट वगैरह, तो सॉरी गाइस टेम्पलेट लगा, पहले अपन स्लाइड वगैरह के एक फ्रेम लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे अपन टेम्पलेट, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना और आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, तो पूरी डिटेल्स में जो कि आपको देख लेना है कैसे क्या करना है। तो अपन बोले लेते हैं पहले तो इसमें टेम्पलेट वगैरह, इसके बाद अपन टेम्पलेट लेंगे, एक स्टिकर लेंगे जो कि PNG टाइप का हैगा, मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको एक PNG ले लेना है ऐसा, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ऐसा एक PNG लेना है। इसके बाद क्या करना गाइस, आपको यहाँ से आपको पहले तो इसका जूमिंग कर लेना है, इतना जूमिंग करके आपको इतना छोड़ देना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में किधर में स्लाइड करवाना चाहते हो, पहले आपको उधर में लाना है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे अपन कर लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद क्या करना गाइस, आपको ये की का ऑप्शन दिख रहा होगा जैसे कि लेफ्ट साइड आपको एक की का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इसको ले जाना जैसे लेफ्ट साइड ले जाना, अपन ने अभी राइट साइड किया था, फिर राइट साइड करेंगे। पहले आपको लेफ्ट साइड ले जाना और आपको बिल्कुल फ्रेम के हिसाब से ले जाना। अगर आपकी वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड करके, आपको ऐसे स्लाइड वगैरह कर लेना है जैसे कि लास्ट इसका ऑप्शन कहाँ पे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आप वीडियो को थोड़ा स्किप करना आएंगे, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वैसे ही प्रोसेस करना। इसके बाद इस प्लस के आइकन क्लिक कर देना, अब फिर से आपको राइट साइड ले जाना है स्लाइड करके। तो आपको राइट साइड में स्लाइड कर देना है जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऐसे राइट साइड स्लाइड करना है। और गाइस वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ऐसी बहुत सी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में जो कि बड़ी आसानी से जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था ऐसी वीडियो बन जाएगी। अब इसके बाद क्या करना गाइस, लास्ट में इसको ले जाना है। लास्ट में इसको ले जाने के बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से इस प्लस के आइकन क्लिक कर देना। प्लस के आइकन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से इसको आप बीच में ले आना है, जो कि आपको फ्रेम इतना रहना चाहिए, ठीक ना। तो इतना आपको कर लेना। इतना करने के बाद क्या करना है, इस राइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। राइट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, अब इस पर जैसे जो अपन ने अभी स्लाइड वगैरह किया, इस फ्रेम को यूज़ करना है और आपको इस लेयर को अपनी वीडियो के बराबर कर देना है, क्योंकि अपन इस वीडियो को बराबर करेंगे तभी अपनी पूरी वीडियो पे चलेगा। अब इसमें इफेक्ट वगैरह लगाएंगे, इसके बाद अपन इफेक्ट भी लगाएंगे और इसमें फ्रेम भी लगाएंगे। तो तीन चीज़ अपन जहाँ में यूज़ करेंगे, जो बड़ी आसानी से आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक ना। तो ऐसा आपको कर लेना है, पहले तो अपन कर लेते हैं सभी फ़ोटो पर इसको स्लाइड। तो देख सकते हो मैंने ये कर लिया, तो देख सकते हो अपना ये स्लाइड वगैरह अभी हो रहा है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इस फोटो में फ्रेम लगा लेना है पहले। तो अपन इसमें फ्रेम यूज़ करेंगे, पहले आपको ऐसा कर लेना है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको आना है नीचे, जूम एंड स्लाइड पे क्लिक करना है। जूम एंड स्लाइड पे क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना, आपको यहाँ से जूम एंड स्लाइड वाले इफेक्ट से सभी में लगा लेना। तो अगर आपके पास ये इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना गाइस, आपको
यह होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं आपको फटाक से लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस अपन ने सभी में इफेक्ट लगा लिए जो कि स्लाइड बार जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, अब इस फोटो पे क्लिक करना और इन फोटो को आपको छोटा कर लेना है, क्योंकि इसका फोटो का जैसे फोटो का साइज छोटा करोगे आपको 30 से 40 सेकंड का स्टेटस बेस बनाते हैं अपन व्हाट्सअप के लिए। तो गाइस क्या करना, आपको इस फोटो का साइज छोटा कर लोगे तो आपको फोटो जल्दी निकलने लगेंगे और आपकी स्टेटस भी अच्छी लगेगी। तो जैसे कि आपको फोटो क्लिक करना है और राइट साइड में आपको खींच देना है, अदर लेफ्ट साइड में खींच सकते हो, तो दोनों एक साइड से छोटो हो जाएगा, जो कि अपन देख सकते हो अपनी 58 सेकंड की अभी स्टेटस है, जो कि अपन को इसको 30 सेकंड करना, तो इन फोटो को छोटा करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस अभी वीडियो को मिस नहीं करना, और अदर गाइस आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मन में तो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपको हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और गाइस अगर आपको जैसे कि मैं लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं कोई अच्छी सी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो ऐसे आपको सभी को छोटा फोटो कर लेना, तो अपनी 38 सेकंड की वीडियो रह गई, ठीक ना। तो अपन 38 सेकंड की रहने देते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया का ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना का, अपन इसमें क्या करेंगे, इफेक्ट लगाएंगे, ठीक ना। तो इफेक्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉरी तो गाइस पहले अपन एक और वीडियो ऐड कर लेते हैं कमिंग वाली, ठीक ना। तो आपको दो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो गाइस पहले आपको ये वीडियो ले लेना है। तो आपको लेयर पे जाके इस वीडियो को नहीं जाना है, तो मीडिया के ऑप्शन पे से जाके वीडियो को लेना, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे सेव होगी, ठीक ना। तो आपको ऐसे ये वीडियो ले लेना है और एक ये वाली वीडियो ले लेना, क्योंकि अपन इन वीडियो को करेंगे काटा पीटी, ठीक ना। तो अपन इस वीडियो में काटेंगे मेन पार्ट। तो आपको क्या करना, पहले यहाँ से इतना रख लेना, और आपको क्या करना गाइस, इस कैंची को ऑप्शन पे आना। कैंची को ऑप्शन पे आने के बाद क्या करना, आपको राइट साइड का ऑप्शन काट देना। फिर इसके बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे आना, इतना रखना है ना वीडियो को, और इसके बाद इस कैंची को ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जब इस प्लेट एड प्ले हेड, तो फिर इस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ से इसका एक पार्ट अलग हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, इस फिर से एक जहाँ पे आओगे आप बड़ी आसानी से, तो इतना करोगे यहाँ से, तो इसको देख लेना है अपना वो लिखाने वाला पार्ट कहाँ से आ रहा था, आपको राइट साइड का ऑप्शन काट देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस फिर से आपको इधर आ जाना है, और इसके बाद क्या करना है, इस जहाँ से अपनी जैसे देख सकते हो यहाँ से अपना इतना सिस्टम चालू हो रहा, तो इसको भी स्लाइड वगैरह कर लेना है। और इसके बाद क्या करना है, इसकी कटिंग कर देना है, तो जहाँ से अपन इतना इसको काटेंगे, क्योंकि अपन अपनी वीडियो में ये वीडियो ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए अपन अपना कुछ लगाएंगे, ठीक ना। तो ऐसा कर लेना है आपको, तो मैं आपको स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने दोनों वीडियो को काट कर और यहाँ पे फिटिंग कर लिया, जैसे कि मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देख सकते हो इन वीडियो को मैंने काटा है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन जे कि काट वीडियो। अब इसके बाद क्या करना गाइस, इस पर क्लिक करके पकड़ना और आपको इधर लेफ्ट साइड खींच देना, तो ये क्या हो जाएगा, आपके इस स्क्रीन पे भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको देख सकते हो यहाँ पे अपनी पूरी वीडियो पे आ रहा है, जो 47 सेकंड की आ रही है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको लेयर पे जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना। तो अब मैं आपको एक इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको वो इफेक्ट डाउनलोड कर लेना और गाइस इस वीडियो में लगाना है। तो अपन इस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके और आपको इसका फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करोगे गाइस, आपको नीचे जाना है, एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक ना। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इसका स्क्रीन कर देना, तो इसका क्या होगा, ब्लैक पार्ट हट जाएगा, जो देख सकते हो अपना लिखाने वाला अंदर देखने लगा। तो अब इसके बाद क्या करना गाइस, इसका अपन साउंड बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अदर साउंड लग रहा है, तो अपन इसमें अदर गणेश जी का इसमें वो लगाएंगे स्टेटस, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, ये ओनली अपना 8 सेकंड का आगा, तो आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट पे जाना और इसका डुप्लीकेट कर देना है। तो अपन इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और आपको यहाँ पे आगे स्किप कर लेना है। तो गाइस अपन ने सभी में ये इफेक्ट लगा लिया, जैसे कि अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ आगे, तो बड़ी आसानी से अपने ये सब में लग गया है, जैसे कि अपने ने आपको प्रोसेस दिखाया जितनी वीडियो अपनी कंप्लीट हो रही। अब इसके बाद क्या करना, इसे अपन लगाएंगे इसमें सॉन्ग। तो आपको फिर से लेयर पे आना और मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया का ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको एक ब्लैक स्क्रीन सॉन्ग मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी। अब आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग को ऑप्शन पे और सेम प्रोसेस कर देना, इसका भी स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद हटा देना, हटाने के बाद क्या करोगे गाइस, इसको यहाँ पे सेव कर लेना, अदर आपके हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हो। अब इसके बाद क्या करना गाइस, अब मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ, तो कुछ अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक ना। तो मैं अब आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ।
तो गाइस देख सकते हो बड़ी आसानी से जैसा मैंने दिखाया था स्क्रीन पर जो कमिंग सन लिखी है, इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसके बाद अपनी वीडियो होगी चालू जो से देख पा रहे हैं। यहाँ से अपना गाना स्टार्ट होता है जो कि मैं आपको गाना भी चला के दिखाया था, लेकिन कॉपीराइट क्लेम के चक्कर में आपको थोड़ा वीडियो दिखा दूंगा लेकिन लास्ट में, तो आप देख सकते हो अपनी वीडियो कंप्लीट हो गई। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड इस चैनल पे स्टेटस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है जो कि बड़ी आसान ट्रिक के साथ। तो गाइस आप वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।